अस्सलाम व्यूअर्स, jaidad.com.pk से सैयद वकास, और आज मैं आपको विज़िट करवाना चाह रहा हूँ लेक सिटी का। लेकिन लेक सिटी से पहले मैं आपको एक और चीज़ जो नई डेवलपमेंट है लेक सिटी के लिए भी और बाकी और भी एरियाज़ के लिए, वो भी दिखाना चाहूँगा। और वो डेवलपमेंट है, ये जो शौकत खानम चौक था उसके ऊपर एक नया ब्रिज बना है, जो आप अल्लाह गोल चक्कर से या लेक सिटी की तरफ से आ रहे हो तो टू एंड फ्रो है। आज मैं आपको उस तरफ जाकर दिखाता हूँ, उसकी वजह से लेक सिटी जाने के लिए सेस कितनी बेहतर हुई है और उसकी वजह से यहाँ पे ट्रैफिक हर्डल्स कितने ज़्यादा ठीक हुए हैं। ये व्यूअर्स, यही वो बातें हैं जिनकी वजह से प्रॉपर्टी इन्फ्लेट करती है, क्योंकि जब आपकी किसी भी सोसाइटी की एसेसेस बेहतर होती हैं तो उसकी प्राइस भी बेहतर हो जाती है। ये देखें जी, ये हम उस ब्रिज के ऊपर से जा रहे हैं। पहले यहाँ पे बॉटलनेक बन जाता होता था जब यहाँ पे इशारा सिस्टम था, आज से कोई 6 महीने 8 महीने पहले, तो यहाँ पे बॉटलनेक बन जाता होता था। ये आप देख रहे हैं मेरी दूसरी तरफ जो बिल्डिंग आप देख रहे हो वो यूसीपी की है, क्योंकि यूसीपी ने यहाँ पे 3 ह्यूज कैंपसेस खोले थे, तो उसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश होता है नीचे। आज सैटरडे का दिन है और वैसे पुल पर रश भी कम है, तो आपको इस वजह से नहीं लग रहा होगा। इसकी वजह से लेक सिटी की सेस इतनी बेहतर हो गई है कि अब आप यहाँ से सीधा 2 या 4 मिनट की ड्राइव पे, 5 मिनट की ड्राइव पे कह लो कि आप ऑल्टरनेटिव रूट पे होते हो, और उससे 7-8 मिनट की ड्राइव पे, मतलब यहाँ से टोटल लेक सिटी पहुँचना कोई 15 मिनट की गेम होगी। 15 मिनट के अंदर अंदर आप लेक सिटी पहुँच जाते हो, तो ऑफ कोर्स अगर आप 15 मिनट के अंदर 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 लेक सिटी पहुँच जाते हो तो यहाँ पर सारे ब्रांड, सारी सेस, बैंक्स, एवरीथिंग है, तो ऑफ कोर्स ये मार्केट भी लेक सिटी को सर्व करेगी। बेसिकली तो किसी भी रिहायशी एरिया को मार्केट्स ही लगनी चाहिए ना, ताकि मार्केट्स, हॉस्पिटल्स, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, ताकि वो लिवेबल बन सके। तो इसलिए आपको ये सारी चीज़ें भी मैं अदर देन लेक सिटी के प्रॉपर्टी में क्या हो रहा है ये दिखाना चाह रहा हूँ, ताकि आपको पता चले कि विसिनिटी कैसी आबाद हो रही है। ठीक है व्यूअर्स, आपको आगे के क्लिप्स भी मैं दिखाता रहूँगा। ये है लेक सिटी, ये हम लेक सिटी के ऑफिस से निकल रहे हैं, और ऑफिस से निकल के मैं स्पेशली M7ABCD का आज आपको विज़िट करवाऊँगा, बिकॉज़ वहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट के लिए, घर बनाने के लिए, रहने के लिए, 5 मरला और 7 मरला प्लॉट्स में। ये मेन बुलेवार्ड है लेक सिटी की। ये लेक सिटी का ऑफिस आ गया हमारे राइट हैंड साइड पे। ये लेक सिटी ने एक नया कमर्शियल एरिया डेवलप कर रहा है, अभी लैंड लिया, आप देख रहे हैं प्लाजा वगैरह बन भी रहा है, और ये लेक सिटी की मेन बुलेवार्ड है। ये लेक सिटी की दूसरी तरफ जो कमर्शियल प्लाजा वगैरह की जगह है, यहाँ पे मेन बुलेवार्ड पे कमर्शियल लेक सिटी ने आज से 2-3 साल पहले दिए हैं। इससे पहले, हालांकि लेक सिटी तो 2003-04 का प्रोजेक्ट है जब इनिशिएट हुआ था, लेकिन इससे पहले उन्होंने ये कमर्शियल प्लॉट्स दिए ही नहीं थे। क्यों नहीं दिए थे व्यूअर्स? इसलिए कि लेक सिटी का एक अपना ट्रेंड है, वो कभी भी शुरू में कमर्शियल प्लॉट्स नहीं देता है। वो चाहता है कि जब आबादी आए तभी कमर्शियल प्लॉट्स आए, ताकि कमर्शियल प्लॉट्स की वैल्यू हो, ताकि कमर्शियल प्लॉट्स में ब्रांड आ सके। अब आप ये देखें यहाँ पे कितनी तेज़ी से प्लाजास बन रहे हैं, MCB आ गया है, जिम आ गया है, और भी बहुत सारे प्रॉपर्टी वाले बैठे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें खुल गई हैं। और ये इस वक्त जो प्लाजा आप देख रहे हैं, ये तकरीबन 5 करोड़ 80 लाख रुपए 8 मरला पे उसने बेचा हुआ है। ये देखें जी, यहाँ पे हमारे राइट हैंड साइड पे मैंने अल कबीर का एक दफ़ा कंपैरिजन आप लोगों को करके दिखाया था लेक सिटी से, उसमें भी मैंने ये मेन बुलेवार्ड दिखाई हुई है। हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे अभी आप देखोगे मस्जिद आ रही है, यहाँ पे ग्लोरिया जीन्स, सेकंड कप, कोक स्टूडियो हो चुका है, सेकंड कप, ग्लोरिया जीन्स आ चुके हुए हैं। सुनने में आ रहा है लेक सिटी में हाइपर स्टार अगले 2 से 3 माह में ऑपरेशनल हो जाएगा। 2 से 3 माह में वो 19,000 स्क्वायर फुट की जगह उन्होंने रेंट पे ली है, लेक सिटी के साथ उनका एग्रीमेंट हुआ है, और लेक सिटी ने उनको 19,000 स्क्वायर फुट जगह रेंट पे दी है। वहाँ पे हाइपर स्टार खुलेगा, ताकि यहाँ की ग्रॉसरी वगैरह जो है वो भी ईजी हो सके। अब हम जा रहे हैं M7 की तरफ जाने का एक स्पेशल मकसद है, ताकि मैं उन लोगों को विज़िट करवा सकूं, उन लोगों को भी ये चीज़ें लैंड वगैरह दिखा सकूं जो छोटे प्लॉट्स में इंटरेस्टेड होते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए या घर बनाने के लिए। इन एनी केस M7 जो है वो मेन बुलेवार्ड से आपके, अगर आप टूवर्ड्स राइविंड रोड जा रहे हैं तो आपके लेफ्ट हैंड साइड पर आता है। ये M7 की तरफ हम जा रहे हैं। M7 की तरफ जाते हुए आपको रास्ते में ईडन और लेक सिटी के मर्जर से जो शुरू में घर बने थे वो भी नज़र आएंगे। अब तो ईडन ग्रुप एक फेलियर हो चुका है, आप सब लोग जानते हैं, लेकिन लेक सिटी के साथ जो ईडन का प्रोजेक्ट था वो मुकम्मल हो चुका है। आप ये देखें, ये लेक सिटी की लैंड थी और ईडन ने घर बनाने थे बड़े इंग्लिश स्टाइल पर, तो ये प्रोजेक्ट मुकम्मल है, इसमें लोग आके रह रहे हैं, कोई मसला नहीं है, कोई घपला नहीं है।
और इससे आगे थोड़ा सा आगे ही हम जाएं तो M7 शुरू हो जाता है। M7 में व्यूअर्स चार कैटेगरीज हैं, ए बी सी डी। ए और बी जो है वो पोजेशन वाला है, वहाँ पे आपको घर बनते नज़र आ रहे होंगे, बड़ी तेज़ी से घर बनते नज़र आ रहे होंगे। सी की बैलेटिंग हो चुकी है लेकिन अभी तक घर वगैरह तो वहाँ पे, क्योंकि अभी बैलेटिंग हुई है सिर्फ पोजेशन नहीं दिया, डेवलपमेंट का काम अभी शुरू कर रहे हैं। और डी की अभी बैलेटिंग भी नहीं हुई है, उसकी फाइल्स लेक सिटी इंस्टॉलमेंट्स पे भी बेच रहे हैं और फुली पेड फाइल्स भी आपको बाहर मार्केट से मिल जाती हैं। मैं आज आपको इन सब का विजिट भी करवाऊंगा और प्राइस कंपैरिजन भी दूंगा। यहाँ से M7 A B C D शुरू होता है, ये M7 A का एरिया है। M7 A में जो 5 मरला का प्लॉट है वो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुका है, वो तकरीबन आपको बहुत ही कोई बाउंड्री वॉल वाला प्लॉट मिलेगा आपको 47-48 का, और आपको ये जाके शायद 45 का भी मिल जाए, और इसकी जो मैक्स रेंज है वो 60 पे क्लोज होती है 5 मरला की। ये देखें व्यूअर्स, आपको अब मैं कैमरे की आंख से सब कुछ दिखा रहा हूँ, ये 1 से 1.5 साल पहले पोजेशन हुआ था और आप खुद देखें यहाँ पे कितनी तेज़ी से कंस्ट्रक्शन हो रही है। ये घर बना हुआ है, फिर एक प्लॉट खाली है, फिर घर बना हुआ है, फिर 2 प्लॉट खाली है, फिर 3-4 घर इसी तरह बने हुए हैं। मतलब कंस्ट्रक्शन में तेज़ी कितनी है, कितनी तेज़ी से लोग यहाँ पे लिवेबल अपने आप को बना रहे हैं, घर बना रहे हैं ताकि वो यहाँ पे लिवेबल हो सकें, और कितनी तेज़ी से लेक सिटी ने उनके लिए काम किया है कि हाइपर स्टार भी आ रहा है, ग्लोरिया जीन्स भी आ रहा है, स्कूल भी खोल दिया है, और भी बहुत कुछ लेक सिटी ने कर दिया। अब लेक सिटी का आप स्टैंडर्ड देखें, लाइट्स का, सड़कों का, यहाँ पे एक चीज़ मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि लेक सिटी में 24/7 इलेक्ट्रिसिटी है। 24/7 इलेक्ट्रिसिटी का मतलब यह है कि लेक सिटी आपको खुद अपनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, आप वापडा से नहीं खरीदते, आप लेक सिटी का बिजली का बिल पे करते हैं इनके अपने यूनिट के रेट्स हैं, और यहाँ बत्ती नहीं जाती, यहाँ 24/7 है, यहाँ चाहे जितनी मर्जी लोड शेडिंग हो यहाँ पे लोड शेडिंग नहीं होती है। ठीक है व्यूअर्स, ये था M7A का एरिया। आगे आ आप देखेंगे इस तरफ मेरे तो ये आ गया M7B का एरिया। M7B में भी ऐसा ही है। सबसे मज़ेदार बात यह है कि अगर आपको अपना यहाँ पे प्लॉट लोकेट करना है तो आप ये देखें, ये साथ साथ लिखा हुआ आ रहा है कि प्लॉट नंबर, तो आप यहाँ पे आके एग्जैक्ट अपने प्लॉट पे पहुँच जाएंगे, डिमार्केशन आपको हुई भी मिलेगी। चाहे आपका प्लॉट है, घर आप नहीं बनाना चाह रहे, तब भी आपको डिमार्केशन वगैरह हुई भी मिलेगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन देखें कि कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी क्या है और कितनी तेज़ी से यहाँ पे घर बन रहे हैं। आपको हर तरफ जहाँ भी आपको कैमरा जाता हुआ मिलेगा, आपको नए घर, 1 साल 1.5 साल से पुराना कोई घर नहीं मिलेगा, क्योंकि 1 साल 1.5 साल तो हुआ है इन्हें पोजेशन देते हुए। ये M7A का एरिया है, ये M7B है हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे, और अब हम आपको M7C और M7D का विजिट करवाएंगे। ये देखें जी, हम M7A और M7B की बिल्कुल बाउंड्री पे खड़े हुए हैं, और यहाँ मैं आपको लेक सिटी का विजिट करवा रहा हूँ। ये M7C और M7D का एरिया है। M7C का बैलेट हो चुका हुआ है, यहाँ पे 2490 का प्लॉट बेचा था, उसकी कॉस्ट ऑफ लैंड भी पूरी हो चुकी हुई है। इस वक्त 2 से 3 लाख रुपया ऑन चल रहा है प्लॉट के हिसाब से, 4 लाख रुपये अभी ऑन चल रहा है, 5 मरले का मैं आपको स्पेसिफिकली बता रहा हूँ। तो 2490 में अगर आप 2 या 3 लाख रुपये ऐड करें तो 26-27 बन जाता है, और उसमें 5 लाख रुपये आप डेवलपमेंट का ऐड कर लें तो ये तकरीबन 32, और 2.25 लाख रुपये आप ट्रांसफ़र ऐड कर लें तो ये आपको तकरीबन 35 से 36 लाख रुपये में जाके, 36 लाख रुपये में जाके आपको प्लॉट कॉस्ट करता है M7C में। जबकि यहाँ पे आप जहाँ पे भी ये ढेरी लगी देख रहे हैं ना मिट्टी की, मैं आपको थोड़ा जूम करके भी दिखाता हूँ दूर दूर तक, जहाँ पे भी आप ढेरी पड़ी हुई देख रहे हैं ये लेक सिटी की लैंड है। ये एक निशानी है जी कि ये लैंड जो है ना ये लेक सिटी की है। और अगर आप यहाँ पे ये वाली एरिया देखें, ये M7D का एरिया है। M7D की अभी बैलेट नहीं हुई है। M7D में जो लेक सिटी प्लॉट बेच रहा है वो 3590 का किस्तों वाला प्लॉट है, 5,90,000 रुपये उसकी डाउन पेमेंट है, और आसान लफ्ज़ों में कह लें 3 लाख रुपया पर 3 मंथ्स है, लेकिन अगर आप आसान लफ्ज़ों में समझना चाहते हैं तो 1 लाख रुपया पर मंथ इंस्टॉलमेंट है। ठीक है, यहाँ पे फुली पेड फाइलें भी मिल जाती हैं। ये फुली पेड फाइलें क्या होती हैं ये समझना थोड़ा सा ज़रूरी है। फुली पेड फाइलें वो होती हैं कि जिनकी ये लैंड थी, अक्सर लोग अपनी लैंड बेचते नहीं हैं, सेल नहीं करते, वो बार्टर कर लेते हैं, वो मर्जर कर लेते हैं लेक सिटी के साथ कि आप हमसे हमारी ये पूरी लैंड ले लो और हमें हर कनाल के अगेंस्ट एक 5 मरले का प्लॉट दे दो। और वो जो 5 मरले का प्लॉट होता है वो फुली पेड होता है। वो फुली पेड इसलिए होता है क्योंकि उसमें कोई डेवलपमेंट चार्जेस, कोई और चार्जेस नहीं पड़ने होते, उसमें कॉस्ट ऑफ लैंड प्लस डेवलपमेंट चार्जेस जो होते हैं वो पेड हुए होते हैं।
अभी मैं आपको एक फाइल भी ऐसी दिखाता हूँ जो फुली पेड है, फुली पेड फाइल में आपने क्या देखना होता है ये भी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। वो जो फुली पेड फाइल है इस वक्त M7D की, वो तकरीबन आपको मिलेगी सारा कुछ डाल डूल के 27.5 और 28 की, ठीक है जी। ये आपको जो सब चार्जेस वगैरह आप डालोगे ना तो 27.5-28 की आपको फुली पेड फाइल पड़ जाएगी M7D की, ठीक है। और मेरे हिसाब से वो लेना अच्छा है। देखें, ये बाउंड्री थी किसी ज़माने में लेक सिटी की, ठीक है, M7A और M7B की। M7B का एरिया है, M7A का एरिया है, ठीक है। यहाँ किसी ज़माने में बाउंड्री थी। अब बाउंड्री के इस तरफ अगर आपको आज से 2 साल बाद कोई भी प्लॉट 60 से कम का नहीं मिलेगा तो आप खुद सोचें कि 2 साल बाद अगर यहाँ पे प्लॉट आपको मिले M7C में और M7D में तो आपको वो प्लॉट कितने का मिलेगा। चलें 60 ना सही, बाउंड्री के ऊपर भी लगा लें तो वो 45 से 50 के दरमियान तो होगा। मतलब 1 मिलियन का फ़र्क बहुत फ़र्क होता है, प्लॉट साइज़ सेम हो, प्लॉट कैटेगरी सेम हो और प्लॉट का डिस्टेंस भी कोई डेवलप एरिया से बहुत ज़्यादा ना हो, वॉकिंग डिस्टेंस हो, तो 1 मिलियन बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। अजम्पशन इसके 2 से 2.5 साल बाद जो आज यहाँ पे प्लॉट की प्राइस 46-47 है वो अगर 55 के दरमियान भी होती है तो यहाँ भी प्राइस 45 से शुरू होगी ना, 42-43 से शुरू होगी, ठीक है। तो अगर आप आज 28 का लेते भी हो तो 2.5 सालों में आपको ये अप्रिसिएशन मिल जाएगी कि आपको 42-43 का एक आसानी से लिक्विडेशन मिल जाएगी, और अगर प्लॉट नंबर अच्छा लग गया तो आपको आपको थोड़ा सा ज़्यादा ROI ज़्यादा मिल जाएगा, ठीक है व्यूअर्स। तो ये था, मैं आज आपको ये इन्वेस्टमेंट वाइज और लैंड वाइज आपको चीज़ दिखाना चाहता था। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दूँ, लेक सिटी पूरे पाकिस्तान की वो वाहिद सोसाइटी है जिस पे आज तक LDA का, FBR का, टैक्स वालों का कोई केस नहीं है। ये LDA से 100% अप्रूवल लेते हैं तो काम करते हैं। ये लैंड ज़मींदार से ख़रीद लें या उसके साथ बार्टर कर लें, जिस तरह भी पहले लैंड का पोजेशन लेते हैं तो काम करते हैं, अदरवाइज ये कोई काम नहीं करते। फुली पेड फाइल का मतलब ये है कि अब जो ज़मीन है वो इन पोजेशन है लेक सिटी की और लेक सिटी उसकी ट्रांसफ़रें देगा। अब ज़मींदार की लैंड नहीं है, ज़मींदार को तो फाइल मिल गई, ठीक है, और तो और जो ज़मीन का पोजेशन था वो तो लेक सिटी को मिल गया, तो अब वो लेक सिटी की पोजेशन होगी ना प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होगी, उस पर टैक्सेस लगेंगे, उस पर ट्रांसफ़र फीसिस आप लेक सिटी को देंगे जो भी उसकी 50-60 हज़ार रुपया बनती है, तो वो इन पोजेशन तो लेक सिटी की आ गई, तो लेक सिटी उसके बाद ही काम शुरू करता है। लेक सिटी पूरे पाकिस्तान की एक सेफ हाउसिंग सोसाइटी है, इसका कंपैरिजन आजकल लाहौर में DHA के साथ किया जाता है, ठीक है व्यूअर्स। ये था लेक सिटी का, मैंने आपको एक इंट्रो देना था M7 का, वो मैंने आपको दे दिया। नीचे मेरा नंबर चल रहा होगा, आप उस पर भी रब्ता कर सकते हैं। आए मैं आपको थोड़ा सा क्लॉजेज दिखा दूँ कि फुली पेड फाइल होती कैसी है। व्यूअर्स ऊपर तो नाम वगैरह लिखे होते हैं, वो तो मैं आपको नहीं, ये क्लॉज नंबर 3 देखना बहुत ज़रूरी है, ये आप देख लें, ये लिखा हुआ है। अब ये फाइल है लेकिन आप ये पढ़ें ये क्लॉज नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है। आ 5 मरला प्लॉट, नॉट फाइल, आ 5 मरला प्लॉट इन M7D हैज़ बीन एलोकेटेड टू परचेजर फुली पेड अगेंस्ट लैंड। मतलब लेक सिटी ने ये लैंड ज़मींदार से इन पोजेशन ले ली, ज़मींदार को ये फाइल दी और ज़मींदार ने ये फाइल आगे से जिसको भी बेचेगा उसके ऊपर भी यही लिखा आएगा कि ये फुली पेड है अगेंस्ट लैंड। और अगेंस्ट लैंड का मतलब ये है कि ज़मींदार ने लेक सिटी को लैंड दे दी हुई है, ये फाइल ज़्यादा सेफ है एज़ कम्पेयर टू जो बायर फाइल ट्रेड हो रही हैं इंस्टॉलमेंट वाली, क्योंकि इंस्टॉलमेंट वाली फाइल के ऊपर तो कभी भी नहीं लिखा आता कि फुली पेड अगेंस्ट लैंड, उस पर तो कोई नहीं आपको लिख के देता। लेकिन ये क्योंकि ज़मींदार कोटा की फाइल है तो इस पर तो ज़मींदार को ये चाहिए था कि भाई मैं आपको अपनी असल पोजेशन वाली लैंड दे रहा हूँ तो आप मुझे कैसे सेफ्टी देते हैं, तो इसलिए उन्होंने लिख दिया 5 मरला प्लॉट नॉट फाइल इन M7D हैज़ बीन एलोकेटेड टू द परचेजर फुली पेड अगेंस्ट लैंड, कि हम ये लैंड के अगेंस्ट आपको फाइल दे रहे हैं जस्ट लाइक एफिडेविट और एलोकेशन फाइल इन DHA, ठीक है व्यूअर्स। तो ये यहाँ पे समझना ज़रूरी था। अगर आपको कोई और चीज़ समझ नहीं हो, कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, नीचे मेरा नंबर चल रहा है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं किसी भी वक्त, व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, सैयद वकास जायदाद.com.pk से, थैंक यू सो मच।